गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में क्लास टेंथ का जो आज का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन के लाभ, एडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों में उसका लाभ क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पौधों में जल का अवरोहण व अवशोषण तथा खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। ये हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मूल रोम के द्वारा केशिका जल को मिट्टी से ग्रहण करते हैं। केशिका जल को जब वो ग्रहण करते हैं तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही एक ससंजक बल कार्य करता है। जो जाइलम ऊतक होता है उसमें जो जल भरा होता है तो उस पर एक ससंजक बल कार्य करता है। उस बल के कारण ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है और पृथ्वी से जल अवशोषित होकर पेड़ पौधों की पत्तियों और विभिन्न भागों तक पहुंचता रहता है। तो इसी कारण ये लिखा हुआ है कि पौधे में जल का अवरोहण, अवरोहण मतलब होता है नीचे से पत्तियों तक पानी का चढ़ना, व अवशोषण, अवशोषण का मतलब होता है कि जो मूल रोम होते हैं वो मिट्टी से जल को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो ये अवरोहण हो गया और ये अवशोषण हो गया। ये किस कारण से होता है पौधों में, तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, ठीक। और जो खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स का अवशोषण भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही होता है, क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा जब जल की आवश्यकता होती है तो जल जो होता है मूल रोम के द्वारा कार्टेक्स कोशिकाओं में पहुंच जाता है। उस जल के साथ ही जो खनिज लवण होते हैं वो खनिज लवण भी पौधों की पत्तियों तक या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। जो खनिज लवणों का कार्य जो पौधा होता है उसको पोषण प्रदान करना होता है, भोजन का निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट यही हो गया कि पौधों में जल का अवरोहण व अवशोषण तथा खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ये सारी क्रियाएं नहीं होंगी। दूसरा पॉइंट, इनमें जो इससे जो होता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधों में ताप का नियमन होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधों का तापमान बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा घट जाएगा, तो जिस कारण से पौधों की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे प्रमुख कार्य क्या है वाष्पोत्सर्जन का, कि जो पौधों का तापमान होता है उसको नियमित बनाए रखते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। दूसरा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ती है। देखिए जैसे कोई फल लगा हुआ है उससे जब वाष्पोत्सर्जन होता जाएगा, वाष्पोत्सर्जन होता जाएगा तो उसके अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ है वो सांद्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। सांद्र मतलब कैसा होता है, गाढ़ा। तो जो फलों के अंदर जो भी शर्करा भरी हुई है वो कैसी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी अर्थात सांद्र हो जाएगी, जिस कारण से फलों में मिठास में वृद्धि होगी, ठीक। जैसे गर्मी में क्या होता है, तरबूज होते हैं, खरबूजा होते हैं, तो इनमें क्या होता है गर्मी में जब तेज हवा चलती है वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो तरबूज या खरबूजा होते हैं तो उनमें वाष्पोत्सर्जन जब ज़्यादा मात्रा में होता है गर्मी में तो उनमें जो शर्करा भरी होती है तो उस शर्करा के कारण उनमें मिठास, क्योंकि वो शर्करा सांद्र हो जाती है और उसके कारण से मिठास उसमें उत्पन्न हो जाती है। अगर यही बरसात हो जाती है या जो है मौसम नमी रहती है तो जिस कारण से उसमें मिठास नहीं हो पाती है। अगला कहता है हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन संभव, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन होता है उससे पौधों में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है आवश्यकता से अधिक जल को पादप शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब जो आवश्यकता से अधिक जल होता है, जैसे कुछ पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर बहुत नमी होती है तो वहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा होती है, तो ज़्यादा पानी भी पौधों को नहीं चाहिए, तो जिस कारण से आवश्यकता से अधिक जब पानी हो जाता है तो उस पानी को वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन के लाभ हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के लाभ को लिख लीजिए, इनको समझ लीजिए, कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।